दिल्ली से लोग मुंबई क्यों आते हैं एक्टर बनने? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से लोग मुंबई क्यों आते हैं एक्टर बनने? और ज़्यादातर आज तक जो हिस्ट्री है दोस्तों, यही देखी गई है कि तकरीबन ऑल द सुपरस्टार जो पहले दिल्ली आए और उसके बाद मुंबई की तरफ रुख किया। तो चलिए दोस्तों, इस विषय पे बात करते हैं। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि दिल्ली से ज़्यादातर लोग मुंबई की तरफ रुख करते हैं। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं, जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं उनको मालूम है कि आई एम क्रॉसिंग इंडिया गेट। इंडिया गेट के आसपास हूँ मैं, ये देखिए राइट साइड में सामने आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सामने इंडिया गेट है। एंड मैं एक इवेंट के सिलसिले में आया था दोस्तों दिल्ली में, और आज शाम तक पहुंच जाऊंगा भाई। फ्लाइट इवनिंग की मेरी फ़्लाइट है, शाम तक मैं पहुंच जाऊंगा मुंबई। सो दोस्तों टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये था दोस्तों कि ज़्यादातर लोग दिल्ली से मुंबई का रुख क्यों करते हैं। दोस्तों सबको मालूम है, दिल्ली में आप रोजी रोटी कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, जॉब कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इंडस्ट्री जो है, जो बॉलीवुड है, उसका हब है मुंबई। दोस्तों मैं कई बार बोलता रहता हूँ कि अगर आपने एक्टर बनना है, अगर आपने टेलीविज़न में आना है, सीरियल में आना है, बॉलीवुड में आना है, मुंबई का रुख करना ही होगा। दोस्तों दिल्ली रह के आप ऑनलाइन सीख सकते हो, ऑनलाइन एक दो ऑडिशन दे सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर आप बैक टू बैक फॉलोअप करना चाहते हो, लगातार आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर कास्टिंग टीम से मिलना चाहते हो, उनके संपर्क में रहना चाहते हो, बैक टू बैक थिएटर करना चाहते हो, दोस्तों मुंबई आना ही पड़ेगा। दोस्तों आज नहीं तो कल मुंबई आना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों 95% जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई में है। वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, पूरा सेटअप मुंबई के अंदर है दोस्तों। सो मैं यही अपील करूँगा कि अगर आपने एक्टर बनना है, अपने पेरेंट्स से परमिशन लीजिए, उनकी सहमति लीजिए, सहमति लेने के बाद मुंबई का रुख कीजिए। अगर आप मुंबई आते हैं, सक्सेस गेट फिल्म अकेडमी आपको मिनिमम कॉस्ट में ट्रेनिंग देगी और बॉलीवुड के सफर में आगे लेके जाएगी। वेलकम टू मुंबई एंड वेलकम टू सक्सेस गेट फिल्म अकेडमी। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।